बच्चे अपने एग्जाम और पेपर को लेकर बेहद ही गंभीर होते हैं, वहीं इस दौरान उनके अंदर तरह तरह के ख्याल भी दौड़ते हैं। लेकिन इस समस्या को दूर करने की पीड़ा पीएम मोदी ने उठाई है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छात्रों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव को दूर रखने के साथ ही जीवन में बेहतर करने का मंत्र दिया। पीएम ने छात्रों के साथ नई शिक्षा नीति पर भी बात की। आइए आपको दिखाते हैं इस चर्चा में पीएम मोदी ने बच्चों को कितने मंत्र दिए हैं। पहला मंत्र है कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि मन में तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा के ये छोटे छोटे पड़ाव हैं। इस पड़ाव से पहले भी हम गुजर चुके हैं, पहले भी हम कई बार परीक्षा दे चुके हैं। जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो आने वाली परीक्षा के लिए ये अनुभव आपकी ताकत बन जाता है। दूसरा मंत्र ये दिया कि अपने अनुभव को छोटा मत मानिए। पीएम मोदी ने छात्रों को समझाया कि अपने इन अनुभवों को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, आपका मन जो पैनिक होता है, उसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप किसी दबाव में मत रहिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है, उसी सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। इस दौरान पीएम मोदी का मजाकिया अंदाज भी नजर आया। तीसरा मंत्र ये दिया कि पढ़ाई में माध्यम समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन कहीं और होगा तो सुनना ही बंद हो जाता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं, वही ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मन पूरा उसमें डूबा हुआ है तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा मंत्र ये दिया कि रियल में पढ़ते हैं तो रील देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो क्या आप सच में पढ़ाई करते हैं या रील देखते हैं? दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन का नहीं है। क्लास में भी कई बार आपका शरीर क्लास में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होंगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। पांचवा मंत्र था कि अपने भीतर घुसने का आनंद लें। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि जितना आईपैड मोबाइल फोन के अंदर घुसने में आनंद आता है, उससे हजार गुना आनंद अपने भीतर घुसने का होता है। दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन भी नहीं होंगे, बल्कि इनर लाइन होंगे। जितना अपने अंदर जाएंगे, आप अपनी ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आखिरी मंत्र ये दिया कि ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब क्या है। पीएम मोदी ने छात्रों को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब समझाया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑनलाइन पाने के लिए है और ऑफलाइन बनने के लिए है। मुझे कितना ज्ञान अर्जित करना है, मैं अपने मोबाइल फोन पर ले आऊंगा। जो मैंने वहाँ पाया है, ऑफलाइन में मैं उसे पनपने का अवसर दूंगा। ऑनलाइन का अपना आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करें और ऑफलाइन में जाकर उसे साकार करना है। ऐसे ही हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8।